सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। रिश्तों में वैसा ही संबंध होना चाहिए जैसे हाथ और आँख का होता है। हाथ पर चोट लगती है तो आँखों से आंसू निकलते हैं और आंसू आने पर हाथ ही उनको साफ करता है। किसी को ये महसूस मत होने देना कि आप अंदर से टूटे हुए हो, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान की एक एक ईंट तक उठा ले जाते हैं। मूर्ख को जवाब मत दो, ज्ञानी को ठुकराओ मत, अच्छे को जाने ना दो, बुरे को अपनाओ मत। आज का पंचांग 10 जून 2022 दिन शुक्रवार, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि सुबह 7:26 तक रहेगी। इसके उपरांत एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चित्रा नामक नक्षत्र रात्रि 3:36 तक रहेगी। इसके उपरांत स्वाति नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:35 से 11:30 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:59 से 12:53 तक रहेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि पर शाम 4:07 तक रहेगी। इसके उपरांत तुला राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृषभ राशि पर रहेंगे। मीन राशि 10 जून 2022 दिन शुक्रवार, यह समय आपके लिए घर से दूर यात्रा करने का हो सकता है, शायद किसी लंबी यात्रा का। माता पिता या उनके जैसे कोई आपसे जुड़ सकते हैं। अपने क्षितिज का विस्तार करने और कुछ नया सीखने के मौके का मजा लें। अभी अपने विश्वास से जुड़े, आप केवल निजी संबंधों के लिए ही नहीं बल्कि व्यावसायिक संबंधों के लिए भी भावुक हैं। अपने इस कदम को सावधानी से उठाएं क्योंकि इसका आपके जीवन में बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। कानूनी समझौते संबंधों और विचारों का आदान प्रदान हो सकता है। अपनी मंजिल को पाने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित निष्ठावान होना पड़ेगा। आज के प्रकार की गतिविधियों में व्यस्त रहेगी। रुकी हुई पेमेंट आज जाने से राहत मिलेगी और आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। इसे धार्मिक संस्था में सेवा संबंधित कार्यों में आपका विशेष योगदान रहेगा। बच्चे गर्मियों की छुट्टी में समर कैंप आदि का लुफ्त उठाएंगे। सिर्फ खुद की बातों पर ध्यान देने से कुछ लोगों के साथ विवाद हो सकते हैं या आपके लिए चिंता का कारण बन सकते हैं। जिस प्रकार से आप अपने स्वभाव और बर्ताव में बदलाव ला रहे हैं, उस बदलाव को अन्य लोगों के द्वारा स्वीकार करने में वक्त लगेगा। नए काम की शुरुआत करने के लिए भागीदारी संबंधित कोई अवसर आता है तो उसे तुरंत स्वीकार करें। पार्टनर्स का एक दूसरे के लिए आकर्षण बना रहेगा। एक दूसरे की भावनाओं को ठीक से समझना संभव हो सकता है। सावधानियाँ, जरूरत से ज्यादा किसी पर विश्वास करना आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है, इसीलिए सतर्क रहें। किसी भी प्रकार की अनिर्णय की स्थिति में परिवार के अनुभवी तथा वरिष्ठ लोगों की सलाह अवश्य लें। अपनी चीजें व्यवस्थित रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। यह समय आपके लिए शुभ है, अपने प्यार भरे जीवन को और भी सुगंधित बना सकते हैं। आज दुर्घटनाएं किसी हानि होने की भी आशंका है। आज आप किसी खास के लिए प्रेम भरी भावनाओं का अनुभव कर सकते हैं। आप दोनों अपने जीवन के हर अनुभव को शेयर करें और इससे आपका रिश्ता और भी निखरेगा। अपने दिल के करीबी के लिए कुछ भावुक भी महसूस कर सकते हैं। अपने रिश्ते को सोच समझ कर चुने और जिन्हें चुने उन रिश्तों को जीवन भर निभाए। बात करते हैं करियर की। उच्च शिक्षा या प्रशिक्षण आपके कौशल में वृद्धि करेंगे और साथ ही आपके भविष्य को भी सुरक्षित करेंगे। एक लंबी दूरी की यात्रा आपको नए व्यावसायिक संबंधों और सौदों तक लेकर जा सकती है। धन के लेन देन में सावधानी बरतें, पैसा मिलने में देरी हो सकती है या धन का नुकसान हो सकता है। आप अपने साथी को लेकर भावुक हो सकते हैं। आपके करीबी रिश्ते आज आपको हर कार्य में सहयोग करेंगे। आपके द्वारा किए गए प्रयास आपको आने वाले समय में अच्छे परिणाम देंगे। योजना बनाएं और अपने विकल्पों पर ध्यान से विचार करें।
ध्यान रहे, जो लोग गलतियां नहीं करते वे जीवन में कुछ नहीं सीखते। बात करते हैं सेहत की। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें तथा नियमित चेकअप अवश्य कराएं। ब्लड प्रेशर व डायबिटिक लोगों को विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। पेट की जलन रात में अधिक तकलीफ दे सकती है, इसीलिए ध्यान रखें। आज का उपाय, आज आप माता लक्ष्मी जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।